नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मिट्टी जांच क्यों ज़रूरी है, मिट्टी जांच कराने के क्या फ़ायदे हैं, मिट्टी जांच अगर कोई किसान कराता है, नमूना लेता है तो उसे सावधानियां क्या रखनी है, वो सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो किसान हेल्पलाइन पेज को फॉलो कर लें, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन जो भी है वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे कि किसान भाइयों, पहली बात आती है मिट्टी जांच की, कि मिट्टी जांच क्यों ज़रूरी है। तो मिट्टी जांच कराने में हमें वो चीज़ पता चल जाती है कि अपने मिट्टी के अंदर किस तत्व की कमी है, क्योंकि जिस टाइप से हमें स्वस्थ रहने के लिए या फिर हम जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें सबसे पहले ये सजेस्ट करता है कि आप अपना ब्लड खून की जाँच कराइए। खून की जाँच अगर प्रॉपर तरीके से हो जाएगी वो तो डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि अपने शरीर के अंदर किस तत्व की कमी है। अगर उस हिसाब से हम डोज लेंगे या जैसे टेबलेट हम लेते हैं तो हम रिकवर हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। उसी टाइप से मिट्टी में भी होता है, क्योंकि मिट्टी में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो जिनकी जानकारी किसान भाइयों को हमें प्रॉपर होती नहीं है। तो उस हिसाब से किसान भाई जो भी खाद बीज अगर मिट्टी के अंदर डालते हैं तो या तो आवश्यकता से ज़्यादा डाल देते हैं या आवश्यकता से कम डाल देते हैं। कुछ किसान भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रॉपर जानकारी होती नहीं है। तो जैसे कि हम देख पा रहे होंगे कि जैसे कि किसान भाइयों मिट्टी के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि मिट्टी के अंदर जैसे 14 तरह के पोषक तत्व होते हैं जिनकी पूर्ति किसान भाई कर नहीं पाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि उत्पादन जो हो रहा है किसान का वो वर्ष भर बहुत ही कम होने लग गया है धीरे धीरे, क्योंकि लागत उसकी आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे प्रॉपर जानकारी नहीं है कि मिट्टी के अंदर तत्व की कमी किस तत्व की है। तो वो क्या है, रिपीटेड खाद डालता रहता है, बस एक कि हाँ मैंने ये फसल लगाई है तो मेरे को ये खाद डालना है, तो वो क्या हर साल वही खाद यूज़ करता है। तो उसमें कारण क्या हो रहा है कि उत्पादन किसान का प्रभावित हो रहा है। तो आज हम वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे कि मिट्टी के जांच के जो नमूना लेते हैं वो किस टाइप से लेते हैं, मिट्टी जांच अगर कोई किसान करवाता है तो उसे मिट्टी जांच कराने के क्या फ़ायदे होते हैं, वो सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसी के साथ में किसान भाइयों, मिट्टी का जो नमूना लेते हैं उसे लेने का उचित समय रहता है, जैसे गेहूं या जो भी फसल आपने रबी के सीज़न में लगा रखी है उसकी कटाई हो जाती है प्रॉपर तरीके से, जब मिट्टी सूख जाती है या पहले हकाई किसान कर लेता है तो उसके बाद में क्या होता है कि मिट्टी प्रॉपर तरीके से सूख जाती है, तो तब किसान भाई उसका नमूना ले सकता है, उसकी जाँच जो है प्रॉपर तरीके से मिलेगी। और इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप मिट्टी का नमूना लेते हैं तो उसमें आपको कुछ सावधानियाँ रखनी रहती हैं, जिसके कारण जैसे कि अगर आपने सावधानियां जो प्रॉपर तरीके से बरतेंगे तो नमूना आपका प्रॉपर बनेगा, और नमूना अगर आपका प्रॉपर बनेगा तो उसकी जो जांच है वो भी प्रॉपर आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको नमूने, जैसे कि सावधानियों के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, तो पहले जैसे पहली सावधानियाँ हैं कि जहाँ पर अगर आपके खेत के आसपास मेड़ है और मेड़ के आसपास अगर पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ की छाँव के नीचे से आपको मिट्टी नहीं लेना है। दूसरी सावधानियाँ हैं कि खेत की जो मेड़ रहती है मेड़ के पास से मिट्टी नहीं लेना है, लगभग मेड़ से लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी से आपको मिट्टी का नमूना लेना है। इसके अलावा यानी कि जब आपने खरीफ के सीजन में बहुत सारे किसान भाई गोबर की खाद डालते हैं तो जहाँ पर गोबर की खाद आपने इकट्ठा करी थी उस जगह से भी नमूना नहीं लेना है। इसके अलावा जैसे कि आपका खेत जो है ढलान नुमा है या फिर जहाँ पर पानी बरसात का पानी ज़्यादा एक जगह इकट्ठा होता है उस जगह से भी आपको नमूना नहीं लेना है। और इसके अलावा जैसे कि जहाँ पर अपन नाली बनाते हैं पानी पिलाने के लिए, तो वहाँ पर क्या है कि हर बार पानी निकलता है, तो उसके कारण वहाँ के जो पोषक तत्व है वो बह के निकल जाते हैं, तो अगर वहाँ से भी अपन नमूना लेते हैं तो उसकी जांच अपने को प्रॉपर नहीं मिलती। इन सावधानियों को किसान भाई रखेगा और अगर नमूना लेगा तो प्रॉपर नमूना भी बनेगा उसकी, और उसकी जांच कराने के बाद में उसकी रिपोर्ट भी प्रॉपर आएगी। इसी के साथ में आइए जानते हैं मिट्टी का जो नमूना लेते किस टाइप से लेना है। इसके अलावा आपको एक सावधानी और रखना है, आप जो भी चीज़ जैसे पावड़ा हुआ, खुर्ची, जिस चीज़ का भी आप मिट्टी का नमूना लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि उस पर जंग ना लगा हुआ हो, क्योंकि उसमें अगर जंग लगा होगा तो वो जंग जो है मिट्टी के अंदर गिरेगा तो वो नमूना जो रहेगा वो आपका प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इसी के साथ में आइए जानते हैं मिट्टी का जो नमूना लेते हैं किस टाइप से लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप जैसे मिट्टी का नमूना अगर ले रहे हैं तो उसमें जैसे कि आपकी मिट्टी के ऊपर जो खरपतवार जो रहते हैं आप उन्हें प्रॉपर पहले से हटा लीजिए, जिस भी ले रहे हो आप उसके लिए, तो प्रॉपर तरीके से उसको हटाने के बाद में आपको आपके जो खरपतवार जो है वो ऊपर से एक लेयर आपको हटा देना है। हटाने के बाद में आपको जो है गड्ढा जो करना है वो एक वी आकार के टाइप का गड्ढा करना है।
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक टाइप से फिर आकार का आपका गड्ढा हो गया है। आपको ऊपर से इस मिट्टी को अलग हटा देना है ताकि ये अंदर ना गिरे। ये लगभग आपको 10 से 15 सेंटीमीटर का जो गड्ढा करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से नमूना लेना है। यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप इसको हल्का हल्का ये करेंगे। एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको गीली मिट्टी का जो नमूना है वो नहीं लेना है। ये जैसे कि आपने नमूना लिया है, इस नमूने को अपने को लेना है इस टाइप से। इस टाइप से जैसे कि आपका जो भी खेत है उसमें लगभग अपने को 7 से 8 जगह से नमूना इकट्ठा करना है। अगर जैसे मान लीजिए 1 एकड़ का खेत है तो लगभग आप 7 से 8 जगह से नमूना ले सकते हैं। अगर उससे बड़ा आपका प्लॉट है मिट्टी का, खेत का, तो लगभग आपको 10 से 12 जगह से नमूना इकट्ठा करना है। जैसे किसान भाई, जैसे कि अगर आप जो नमूना लेते वी आकर गड्ढा करने के बाद में, तो आपको एक गड्ढे में से लगभग 300 से 400 ग्राम मिट्टी आपको लेना है। इसी टाइप से जैसे मान लीजिए 1 एकड़ के खेत है, 7 से 8 10 जैसे से आप नमूना ले सकते हैं। तो इस नमूने को जैसे कि आपने अभी यहाँ पर इसको इसके ऊपर रखा है, अभी इसको अपन एक प्रॉपर तरीके से सैंपल किस टाइप से बनाते हैं उसका हम प्रॉपर डिटेल से जानेंगे। इस टाइप का जैसे हमने नमूना लिया है तो इसमें अगर जैसे मिट्टी के जो है उसको प्रॉपर तरीके से अपने को बारीक कर लेना है, और उसमें जैसे मान लीजिए कंकड़ पत्थर अगर दिखाई देते तो उन्हें हटा देना है। इस टाइप से अपने को मिट्टी को पूरी तरह से बिछा देना है। बिछाने के बाद में अपने को इसमें उंगली या लकड़ी किसी से भी इसको अपने 4 भाग में डिवाइड कर देना है। जैसे ये 4 भाग में डिवाइड हो चुकी है तो इसमें से 2 भाग को अपने को रखना है, बाकी 2 भाग को हटा देना है। जैसे कि मैंने आमने सामने के 2 भाग रख लिए और 2 भाग को यहाँ से हटा दिया है। उस टाइप से जैसे कि अपने को दोनों भाग को इनको फिर वापस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इनको वापस इसको ऐसे करना है, और ये वाली प्रोसेस हमें जब तक दोहराना है जब तक अपने पास सैंपल के लिए जो नमूना जो है जाँच के लिए अपने को लगभग 500 ग्राम मिट्टी ना बचे। इस टाइप से डिवाइड करने के बाद में 2 भाग को वापस अपने को हटाना है और 2 भाग को रखना है। ये वाली जो है प्रोसेस अपने को उस टाइम पर करना रहेगी जब तक अपने पास में प्रॉपर मिट्टी के लिए एक 500 ग्राम का नमूना जो है वो नहीं बन जाता है। ये स्टेप से इसमें से 2 भाग हम वापस हटाएंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास जो है ये लगभग 400 से 500 ग्राम मिट्टी बची है, और ये बिल्कुल बारीक भी है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसको अपन छन्नी से भी छान सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे कि आप इसमें जैसे कि बहुत सारे देख पा रहे होंगे छोटे छोटे पत्थर जो है उनको बिनना मुश्किल होता है, तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा, जो बारीक मिट्टी जो रहेगी तो प्रॉपर जांच के लिए आपकी सूटेबल रहेगी, और उसकी अगर जांच होगी तो प्रॉपर तरीके से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि पूरे खेत की मिट्टी है, पूरे खेत की मिट्टी को अपन ने अच्छे तरह से मिलाया हुआ है, मिलाने के बाद में एक नमूना तैयार किया है। तो उसमें क्या रहेगा कि जो जाँच जो आएगी आपकी रिपोर्ट आएगी मिट्टी परीक्षण की वो भी प्रॉपर आएगी। तो किसान भाई इस टाइप से आपको नमूना प्रॉपर लेना है, और लेने के बाद में एक साफ कपड़े की थैली हो या फिर प्लास्टिक की थैली में आपको इसे प्रॉपर तरीके से भर देना है, जैसे कि मैं आपको भर के बता रहा हूँ यहाँ पर। ये जैसे कि मैंने ये मिट्टी का नमूना जो है प्रॉपर तरीके से ले लिया। इसके बाद में आपको एक काम और करना है, इसमें कागज की एक स्लिप भी रखना है जिसमें आपका नाम, आपने किस खेत से लिया है उसका खसरा नंबर, या फिर आप जिस भी नाम से उस खेत को जानते हो वो जानकारी ऐड करना है। इसके बाद में जैसे कि हर एक किसान खरीफ में सोयाबीन लगाता है, सोयाबीन के बाद में उस खेत में आप नेक्स्ट फसल कौन सी लेना चाहते हैं, जैसे हर एक किसान के डिसाइड हो रहता है पहले से कि मैं इस बार इस खेत में लहसुन लगाऊंगा, गेहूँ लगाऊंगा, प्याज लगाऊंगा, एग्जाम्पल जो भी आप फसल लगाना चाहते हैं, तो वो भी उसमें आप मेंशन करें, ताकि जैसे कि आपका जो नमूना बनेगा तो नमूने के बाद में जो इसकी जाँच होगी, जाँच के बाद में जो रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट में हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि जैसे कि आपने सोयाबीन लगाना है खरीफ में, तो सोयाबीन में आपको कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ देना है। क्योंकि मिट्टी के अंदर जैसे कि आपके पास में
एक रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट में हम आपको क्लियर करेंगे कि मिट्टी के अंदर जो तत्व है, आपकी मिट्टी के अंदर कितने तत्व हैं और कितनी मात्रा में अवेलेबल हैं, वो नॉर्मली कितनी मात्रा में होना चाहिए, एक स्वस्थ फसल अच्छे उत्पादन के लिए पैदा करने के लिए आपको कितनी मात्रा में, जैसे विथ एग्जांपल नाइट्रोजन कितनी मात्रा में चाहिए और आपकी मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में अवेलेबल है, तो जो बीज का जो डिस्टेंस रहेगा आपकी मिट्टी के जो मात्रा रहेगी उसमें और नॉर्मली मात्रा में जो होना चाहिए, तो उस आधार पे आपको कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना है प्रति एकड़ में, जैसे नाइट्रोजन कितना देना है, अगर आपको फॉस्फोरस देना है तो कितना देना है, जिंक बोरान जिस भी तत्व की कमी अगर आती है तो वो आपको कितनी मात्रा में देना है, तो वो जानकारी हम आपको प्रॉपर एक शीट बना के देंगे। और रबी की फसल में जो भी आप बताएंगे हमें कि मैं इस जगह अलसी लगाऊंगा, गेहूं चना जो भी आप लगाएंगे, तो उस फसल के बारे में भी हम आपको एक चार्ट बना के देंगे कि आपको जैसे गेहूं लगाएं तो गेहूं में आपको नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रखनी है, फास्फोरस कितना रखना है, पोटाश की जरूरत है तो कितनी मात्रा में आपको प्रति एकड़ मात्रा में देना है, जिंक जिसकी भी कमी होगी वो हम आपको प्रॉपर रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे, ताकि आपका जो उत्पादन है वो उत्पादन भी बढ़ेगा और जो फसल में जो कमी रहेगी वो भी पूरी होगी। तो अगर फसल में जो कमी है वो अगर पूर्ति अगर होती तो सुबह के आपका उत्पादन बढ़ेगा और एक क्वांटिटी भी आपको पता चल जाएगी कि मेरी फसल के अंदर 10 किलो यूरिया ही देना है तो 10 किलो पर्याप्त है तो 10 किलो ही देंगे, तो उससे के जो आपका खर्चा है वो भी कम होगा, लिमिटेड मात्रा में होगा और आपका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। तो सुबह की मिट्टी जाँच कराने में किसानों को बहुत सारा फायदा रहता है, तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि बिल्कुल आप जब खेत की तैयारी करें, जब बुआई करें, उससे पहले एक बार मिट्टी जांच जरूर करा लें। और मिट्टी जांच के लिए एक और विशेष तौर का ध्यान रखें, जब बरसात हो जाते तो उसके बाद आप नमूना ना लें, सूखी मिट्टी का ही प्रॉपर नमूना लें, ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो भी प्रॉपर आएगी। और अगर कोई किसान भाई मिट्टी जाँच करवाना चाहता है तो किसान हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है या कमेंट में हमें बता सकता है, तो हम उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसकी जो नमूना जो रहेगा प्रॉपर हम उसको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे किस टाइप से उसको नमूना लेना है और कहां पर भिजवाना है, ताकि उसको प्रॉपर रिपोर्ट मिले और उसकी जो है आमदनी बढ़े, उसका जो खर्चा है वो कम हो। धन्यवाद किसान भाइयों।